सो गाइस सीन कुछ यूं है, हम गांव में आए और कुछ पकाए खाए नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गांव की चाय बनाने, तो ऑब्वियसली ये लोग बनाते तो है नहीं डब्बे वाली चाय, तो मैंने सोचा आज अपने कराची स्टाइल में आज यहाँ पर चाय बनाई जाए। चाय जो है ना बनेगी डब्बे वाले दूध की, क्योंकि हम लोग कराची में तो डब्बे वाले दूध की पीते हैं या गाय के दूध की पीते हैं, तो आज मैं डब्बे वाली दूध की चाय बनाने वाली हूँ और इनके किचन में बनाने वाली हूँ। ऑब्वियसली लकड़ियों में बनाएंगे हम, लेकिन कराची स्टाइल में चाय बनाएंगे, ठीक है जी। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को और मज़ेदार चाय सबको टेस्ट करवाते हैं कि भाई मेरे हाथ की चाय पी के बताओ कैसी बनाई है। तो ये है इनका छोटू सा किचन, ये चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये देखो जरा, ये सब आप लोग चेक कर लो। और हम यहाँ चाय बनाने वाले हैं इधर इस साइड पे, इस साइड पे चाय बनाने वाले हैं। इसमें हम लकड़ियां गर्म करेंगे पहले, ठीक है, देन इसके ऊपर हम चाय पकाएंगे, लेकिन वो भी कराची स्टाइल में, गांव को हम स्टाइल देने वाले कराची की तरह, ठीक है जी। तो हर चीज होती रहती है, क्यों ना यहाँ अपने स्टाइल से चाय बनाए, सब कुछ देख लिया मैंने, लेकिन यहाँ कराची स्टाइल में खाना पकता हुआ मैं देखा, खाना पकते हुए देखा सनोवर रानी के किचन में, चाय पकते हुए देखो मिफ्रा के किचन में। आप लोगों फुल आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, दिस इज मी कराची के लिए क्यू, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ जी, तो भाई किचन में जाने से पहले आप लोगों को जरूरी है कि अपने बाल झोंटे मोटे बांध लीजिए और एक दुपट्टा सर पे ले लीजिए, और हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चाय का कार्यक्रम, मतलब स्टार्ट करते हैं चाय बनाने का जो है ना स्टाइल अपना। ओके, तो ये मैंने बांध लिया भाई, चलो चले। तो भाई ये हम लोग जला रहे हैं लकड़ियाँ, देखो चाय बनाने के लिए लकड़ियाँ जलाना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि हमारी तरह गैस वाला चूल्हा तो होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मिलता है मिल्क फील्ड्स नाम का दूध मिलता है, ये देखो हमारे यहाँ कपशप होता है, मिल्क पैक होता है, और कौन सा होता है दूध, ऑल पर्स होता है, और यहाँ एक ही दूध मिलता है यहाँ, मिल्क फील्ड्स। वाह, ये देखो अभी लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर हम लोग भरेंगे उसमें देगची में पानी, देन दूध डालेंगे और अपनी स्टाइल में चाय बनाएंगे। ये देखो इसने पैसे दिए मुझे, इसने पैसे दिए पूरे 200 रुपए, कुछ और भी तो मंगाते हैं ना चाय के साथ, बिस्किट मंगाया ना बिस्किट 200 रुपए दिए इसने मुझे, कहता है आज तुम बनाओगी चाय, मतलब 200 रुपए लो, इधर आओ आप सही आ रहा है, 200 रुपए दिए इसने मुझे चाय बनाने के, चाय के साथ समोसे वोसे पापड़ शापड़ कुछ नहीं है, पैसे दो वो समोसे मंगाओ, अच्छा वो लंबे पापड़ मंगा लेना, हाँ हाँ सही हो, सही है वो मंगवाते, अभी फिलहाल अभी पतीली आ रही है, चाय मैं करवाने के इतने सारे लोग हैं मेरे पास, चाय अकेली बना रही, लेकिन सपोर्ट चाय इसकी तरफ से, इसकी तरफ से पूरे 200 रुपए दिए, पूरे 200 रुपए, यहाँ पर दूध कितने का मिलता है, 60 रुपए का वाला, हाँ अल्लाह हमारे पास तो 50 100 रुपए का, चल भाई पानी भी आ गया, पानी भी आ गया भाई, 100 रुपए का दूध है खाली, 100 रुपए का देखो जरा, दो देख जी, दो 2000 का। तो भाई आ गई मेरे पास हमारी देगची, ठीक है, धो के लाई, धोई थी, चलो गुड हो गया भाई, क्या नहीं डालते, गाइस पहली बार काम करते हुए कराची की लड़की, कैसा लग रहा है ना लकड़ी, इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ करे, हमारे पास कैची नहीं है तो मुंह से काम चलाना पड़ रहा है, तो भाई हम लोग ढूंढ रहे थे चीनी पत्ती, तो इसके अंदर हमें चीनी पत्ती, इनका ये वाला जो सनोवर रानी बोली थी मसाला, वो इनका ये वाला मसाला है, ऑलराउंडर है, मतलब इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा ये आ गई हमारी चीनी, चीनी देखो राशन खत्म हो गया इनका, सॉरी गाइस, पत्ती का ढक्कन नहीं है, पत्ती का ढक्कन नहीं, चीनी में चीनी नहीं है, ए बात सुनो, चीनी 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 नहीं है, कुबरा इधर आओ तुम, तो भाई यहाँ देखो सनोवर रानी को चाय के वेट कर रही हूं, चाय का वेट कर रही है, देखो ये बन रही है, यहाँ पर मैं बैठ के चाय बना रही हूँ, यहाँ नहीं वेट करिए कि मिफ्रा बनाए और हम पिए, फ्री का काम किया गाइस हमने, फ्री नेचुरल वाला काम किया आज, जब के चाय लगती नहीं सर में, लेकिन क्या करें, दिल तसल्ली हो जाता है, मजबूरन पीनी पड़ेगी, कुबरा इधर आओ, ये कुबरा चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, लाती है, आज खाना क्या खाया, इधर आओ, खाना क्या खाया आप लोगों ने, क्या खाया, मछली, तो मछली में कांटा नहीं निकला, इतनी छोटी छोटी थी, निकले थे, खा ली, फिर भी क्या महंगी मिलती है मछली, महंगी, हाँ ना महंगी मिलती है, 800 रुपए किलो, छोटे छोटे बच्चे इतने इतने से, जरा लेकर आ बच्चा दिखाऊं, वो दिखाओ मछली दिखाओ,
तो भाई अभी हम वेट कर रहे हैं चीनी पत्ती का। जैसे चीनी पत्ती आती है तो हम डालते हैं उसको, और हमारी गैस भी बुझ चुकी है मुझे लगता है। ये देखो यहाँ दूध, देखो हमारा, इसको आग बुझ। भाई किसी को हेल्प के लिए तो बुला, किसी को बोला हेल्प के लिए आया, आपको वीडियो में नहीं लेंगे, बस हेल्प के लिए आ जाओ। चीनी पत्ती भी मंगवाओ क्योंकि यहाँ पर हवा थोड़ी तेज है ना, तो हमारी जो लकड़ी है ना वो बुझ चुकी है। तो अभी हम दोबारा चलाते हैं। और क्या हुआ, सेम मच्छी में क्या लगाया था तुमने? नमक और लाल मिर्ची। ये मच्छी, ये मच्छी में गोश्त कहाँ निकला होगा? गोश्त निकला था जी, पता नहीं कहाँ से निकला होगा गोश्त। खुद ही साफ करी, ऐसे डाल दी साफ करके, फिर साफ करके फिर। तो मतलब कितनी तली होगी तुमने? 8-10? नहीं 11-12 हो गई सबको, सबने खा ली। वो पकी हुई थी ना, पकी हुई थी वो, कहाँ पकी हुई? वो फेंक दी, पकी हुई दिखानी थी ना कैसे पकाई थी। तो भाई हम एक दिन इंशाल्लाह दोबारा वापसी आएंगे तो आपको लाजमी दिखाएंगे गांव का खाना कैसे पकता है, मींस क्या क्या डालते हैं लोग, कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। तो भाई ये जला रहा है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? शहबाज। शहबाज जला रहा है हमारे लिए लकड़ियाँ। यहाँ टड्डू भी इंतजार कर रहे हैं। टड्डू चाय पियोगे? चाय, बिस्किट भी, लंबे पापड़ भी मंगाएंगे। हाँ, पैसे खर्च करवाएंगे, फ्री में खाएंगे। मुर्तजा मंगवाएगा, थैली खड़िया नहीं है, तुम चाय बनाओ। इसको नहीं बुलाया यहाँ पे, नॉट खड़िया पड़िया। चलो भाई चीनी, नहीं बदतमीज है, यहाँ कहीं भी जाते नहीं। ये जी इनकी पत्ती, देखो ठीक है। क्या मैं काटती हूँ, बैठे बैठे काटती हूँ, टाइम पास। ये देखो जी, ये आ गई है पत्ती, ये हम डाल रहे हैं चाय। हो गया देखो भाई, सुनो बरानी को मैंने कहा थोड़ा टाइम पास करते तो चाय पकड़ी, लौकी इनको छील के दूंगी, रात को ये लोग लौकी पकाएंगे। चली जाएगी ऐसी बात नहीं। हां, सुनो बरानी का टाइम पास नहीं हो रहा था, सुनो बरानी ने जो है ना सोचा मैं भी थोड़ी देर में ब्लॉग बनाऊंगी खाने पकाने का, सोचा लेने का। तो आप सुनो बर छोटी ब्लॉग्स में देख सकते हो, यहां हमारी चाय हो जाएगी, तो आप लोग सुनो बर छोटी ब्लॉग्स में देखिएगा, ठीक है। तो भाई यहां हमारी आग बुझ गई थी, हम दोबारा जला रहे हैं इसको। चलो भाई चलो, सिलेंडर तो लेंगे। गैस जल गई, हमारी गैस ही बुझ जा रही है। ये गिला है आपकी निगाहों से, पता नहीं मारते क्यों मुंह बना हुआ है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले। भाई हम टेस्ट करने वाले हैं, बन जाए तो तलब हो रही है चाय की ना, कराची वाली चाय की तलब हो रही है। हम पूरा माहौल बना के बैठे हैं कराची वाला, ना किसी को आने दे रहे, ना किसी को जाने दे रहे। भाई हवा का जो है ना, जो होता है ना रुख, यहीं पर ही आ रहा है, तो मतलब हवा ज्यादा है यहाँ पर, तो हमारी आँख जो है ना बुझी जा रही है, तो और टाइम जाया हो रहा हमारा। लो तुम्हारी सब्जी भी काट दी मैंने। तो भाई अभी हमने टेस्ट की थी चाय, तो इसमें थोड़ा सा चीनी कम है, मीठा मीठा कम है, तो जरा सी हम चीनी डाल देते हैं, हल्की सी पत्ती डालेंगे और हमारी चाय रेडी। पत्ती बेटा, अरे हमें क्या पता कैसे बनेगी, पहली बार बना रहे हैं हम। ड्यूटी मिली है तुझे, नहाने तो जा रही थी तू, तो मैंने बोला कपड़े खराब होंगे ऐसे ही कर लो। मैं कपड़े चेंज करने जा रही थी तो हमने बोला फ्री की चाय मिल रही है, आओ बना लेते पी लेते। मुर्तजा ने मंगवाया तू, लेकिन बारी पड़ी गया तो आगे करो ना। अरे बॉइल नहीं आता इस चाय में, आ तो गया, बस ये बॉइल होता है। हाँ। बस हाँ। अरे हम कब से बॉइल का इंतजार कर रहे हैं। चलो कमरे में चलो, आओ उस कमरे में चले, आओ वहाँ चले सहन में, थर्मास में डाल लो, ये टूटी नहीं पा। एकदम मजे वाली चाय बनी, एकदम मजे वाली, सबका दिल खुश हो जाएगा चाय पीकर। कराची की लड़की के हाथ की कराची वाली चाय पीने वाला है आज, ये सब मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। अच्छा चलो, आज ये फैसिलिटी भी मिल रही है हमें, इनके पास ये वाला कराची वाला मग्गा भी है, क्या कहते हैं इसको, जग, इनके पास कराची वाला जग भी है। डालते कैसे हो इसे? हाँ चलो छानी, तो हम छा को जो ना छा को, तो भाई अभी जो है ना हम चाय को जो है ना चूल्हे पे से मतलब देगची में से डाल रहे हैं जग के अंदर, ठीक है, और फिर सबको टेस्ट करवाते हैं।
और पूछते हैं कि भाई तुम्हें कराची वाली वाइब्स आ रही है कि नहीं। वो कहाँ गई छन्नी? गिर गई? दो गिलास को, दो गिलास दो ऐसे डाल लो, मुझे समझ आई है ऊपर से। हट जाओ स्माइल, हट जाओ सामने से। तो भाई जल्दी इसको कन्वर्ट करते हैं और जिन जिनको पीनी है कराची वाली चाय उनको पिलाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको कैसी लगी हमारे अर्ध की चाय। मैं नहाने जा रही थी, इन लोगों ने मुझे सही काम पे लगाया। लेकिन मैं भी आपको पता है मैं सबसे बड़ी कामचोर आज काम करने बैठी तो मतलब कुछ तो गड़बड़ी होगी ना। जाहिर बात है कामचोर काम करने बैठी है, आसान बात थोड़ी है। ये गिला है आपकी निगाहों से। अब जो बाकी बच्ची है उसके लिए कपड़ा उठा के दे मुन्ने कपड़ा। अबे इधर से लाना गंदगी की दुकान। नाम अच्छा रखा तूने इसका। यस या गाइस चाय इज डन। तो भाई ये चाय बन चुकी है, हम इसको चखाते हैं, पूछते हैं कि भाई कराची वाली वाइब जा रही है तुम्हें कि नहीं आ रही। कराची वाली चाय बेस्ट है या गांव वाली चाय बेस्ट है? तो कंपटीशन हुआ चाय का, मतलब गांव वाली चाय और कराची वाली चाय। तुम बताओगे हमें कि भाई कराची वाली चाय बेस्ट है या गांव वाली चाय बेस्ट है? ठीक है, डन हो गया। इसमें डालो इसका वो किधर है? इसमें भी हो गया अभी, पागल है भाई। चलो चलो जी हम लोग चलते कमरे में। अब हमारा ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? किचन नहीं ना, किस चुल चुल। तो गाइस अभी हम चुल में से जाते हैं कमरे में। तो ये जो किचन है ना ये इन लोगों ने खुद बनाया। ये किससे बनाया? चटाइयों से ना, एक साल में बना है, एक साल में खुद बनाया चुल। और इसका नाम इन्होंने रखा चुल किचन। वाह चलो चाय पिलाते हैं इन सबको, कराची वाली चाय पिलाते हैं। हाय हाय गाइस ये देखो मैंने जग में तैयार कर ली है, वहाँ सनोबर आनी वेट कर रही हैं। ठीक है चाय, चलो भाई ये सनोबर आनी वेट कर रही है चाय का। क्या चाहिए आनी? मेरे हाथ में देखो क्या है। वाह वाह जल्दी दे दो, बना के लाई आपके लिए मैं। हाय 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 हो पापड़ खुश रहो गई। अबे भूल गई। देखो भाई ये लो आपकी चाय। पापड़ के नाम देख, सिटी मेला और प्रिंस बलोची। बलोची पापड़ भी है यहाँ पर। वाह ये देखो। तो भाई अभी इन सबको चाय चखाते हैं और पूछते हैं कि भाई कराची वाली आपको फीलिंग्स आ रही है, कराची की चाय बेस्ट है या गांव की चाय बेस्ट है? ठीक है अभी निकालते हैं हम कपों में चाय और पीते हैं, एंजॉय करते हैं अपना आज का वाइब्स। तो भाई ये हमारी पापड़ है जो हम चाय के साथ खाने वाले हैं और ये रहे हमारे चाय के कप, ये रही हमारी जग। बलोची पापड़ खा, बलोची पापड़ खा रहे हैं। कराची की चाय के साथ बलोची पापड़ का मजा अलग है। यहाँ हमारे बिस्किट भी हैं, फ्री के बिस्किट। आज हम फ्री की पार्टी करने वाले हैं। ये भाई जिसने चाय बनवाई है वो तो आ जाओ, तुमसे पूछना है कि कराची वाली चाय बेस्ट है कि और कि गांव वाली। लो भाई बारह मुदस्सिर हैं, बाहर 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 में तो ज्यादा आ रहा है। चलो जी चाय निकाल के देते हैं लोगों। कैसे निकलेगी भाई? इसमें डालना ये प्लेट दो। देखते कितने कम निकलती है, एक डब्बे में तीन। पियो फिर बताना। उफ अब बताओ ये कैसी चाय है? ये चाय पियो और बताओ कि कराची वाली चाय बेस्ट है या गांव वाली। चलो पी के बताओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो पियो, सही वाला फीडबैक देना। हाँ गलत ना दे। वाह वाह जी वाह, कराची वाला ने अपना स्वैग दिखाई दिया। वाह चलो आनी यहाँ पे पी के बताओ। ला ला ला। ये लो आपकी चाय। अब ये देखते हैं झूठ बोलता है, तो जेन्युइन रिव्यू दूंगी। हाँ जेन्युइन 100% जेन्युइन रिव्यू मिलने वाला है। वाह वाह जबरदस्त कराची की लड़की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस,
बन गई है चाय परफेक्ट। बिस्किट भी खाओ, बिस्किट भी मंगाए सुनो बनाने के लिए। यार छोटू की तरफ से दावत है। हां इसकी तरफ से दावत है आज भाई गाइस। नाने जा रही हूं। मैं नाने जा रही थी जिसने बोला कराची की चाय पिलाओ। आज मैं कंपटीशन करने वाली थी कि कराची की चाय बेस्ट है या तो फिर गांव की चाय बेस्ट है। तो भाई बकरी का दूध हो गया फेल, ठीक है, और कराची की चाय इज द बेस्ट। कराची की चाय इज द बेस्ट। तुम लोग भी ना दूध वाला। कराची कराची है ना, कराची कराची ब्रो। उसकी ये देखो क्या हुआ है, ये देखो क्या हुआ है, ये देखो, वाह वाह, दूसरी चाय ले लो, चेक इन द पॉप्स, ये देखो जरा, ओए 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 ओए, दूसरा का मेरा है, मतलब इतनी अच्छी बनी है चाय, देखो गाइस, और डाल दो और डाल दो उसको, और डाल दो, ये लो ये लो, तुम्हारी तुम्हारे पैसों की, तो पियो पियो नेकी और पूछ पूछ, पियो पियो, इधर आओ। तो भाई ये मेरी चाय आ गई है, अब मैं पीने वाली हूँ, सबसे रिव्यू ले जा, मेरी बारी है। खुद को पसंद नहीं है। हाँ, खुद को पसंद नहीं। दिमाग फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ ये बता नहीं। दिमाग फ्रेश हो गया भाई। कराची की चाय में जो सुकून है ना, वो आज तक किसी चाय में नहीं मिला। चाय में नहीं। और जब अब तुमने अपने हाथ की बनाई तो मजा ही आ गया। और पता मैंने पूरे नाम ही है कराची की लड़की, अगर बनाएगी अपने हाथों से तो कमाल होगा ना ये। तो मैंने आज पूरे के पूरे दो हफ्ते बाद चाय बनाई है, क्योंकि घर में भी अब मैं काम नहीं कर रही, तो दो हफ्ते के बाद चाय बनाई। और काम चोर वो तो मैं बचपन से ही, वो तो मैं बचपन से ही। तो भाई अब हम खाते हैं बिस्किट के साथ। सुपर बिस्किट मंगवाया हमने, इसने मंगवाया, सॉरी मैंने नहीं, इसने मंगवाया। सुनो बनाने के मजे आ गए, फ्री का सब कुछ, फ्री का, ये देखो सही से दिखाओ, पैसे खर्च किए सही से दिखाओ। हाँ चलो जी, चाय में बिस्किट डुबो दिया। आनी को भी पसंद आई बहुत, कहती और चाय डाल। समा को तो बुलाओ, कैमरामैन कभी आ जाए। चलो जी चाय शाय पीते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। पेट पूजा कर लेते हैं, देन आप लोगों को मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 2000 years later. गांव वाले जो है ना, कराची वाले को चैलेंज कर रहे थे कि भाई गांव की चाय इज द बेस्ट, बट मैंने प्रूफ किया कि कराची की चाय इज द बेस्ट एंड कराची वाले इज द बेस्ट। तो भाई ये चैलेंज आपकी कराची की लड़की ले चुकी है। अच्छा जी, प्रीव व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को होपफुली मजा आया होगा, अगर नहीं आया तब भी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।